Morning children, in today's class I will explain you the chapter Gandhi ji passes his own examination. आज की क्लास में आपको चैप्टर 9 इंग्लिश में गांधी जी passes his own examination को एक्सप्लेन करेंगे. महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. महात्मा गांधी जी को सभी लोग राष्ट्रपिता कहते हैं. ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. भारत की आज़ादी में उन्होंने एक बहुत बड़ा आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. मतलब उन्होंने उनका बहुत बड़ा योगदान था भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान था. रीड अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम गांधी जीज चाइल्डहुड डेज. इस चैप्टर में हम गांधी जी के बचपन के दिन की एक घटना के बारे में पढ़ेंगे. यंग मोहनदास गांधी हैड हिज अर्ली एजुकेशन अप टू क्लास 7 एट पोरबंदर. यंग मोहनदास गांधी जी की एजुकेशन शुरू की क्लास 7 तक पोरबंदर में हुई. देन ही वेंट टू द एल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट गुजरात. फिर वे राजकोट के एल्फ्रेड हाई स्कूल गुजरात में पढ़ने गए. गांधी वॉज ए वेरी शाई बॉय. गांधी जी बहुत शर्मिले लड़के थे. ही नेवर टोल्ड ए लाई और चीटेड. वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और ना कभी चीट करते थे या बेईमानी नहीं करते थे. वंस एट राजकोट अ स्कूल इंस्पेक्टर विजिटेड हिज स्कूल एंड गेव अ फ्यू वर्ड्स ऑफ डिक्टेशन. वन ऑफ द वर्ड्स वॉज कैटल. एक बार राजकोट के स्कूल में एक इंस्पेक्टर दौरा करने गए स्कूल का, उनके स्कूल में, और उन्होंने कुछ वर्ड्स उन्होंने श्रुति लेख के रूप में बोले. उसमें से एक वर्ड था कैटल. गांधी जीज फ्रेंड्स वर एबल टू स्पेल द वर्ड करेक्टली बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट. गांधी जी के सभी दोस्त अच्छे से वर्ड को स्पेल करेक्टली मतलब सही सही स्पेलिंग लिख रहे थे, बट दुर्भाग्य से गांधी जी नहीं लिख पाए एक स्पेलिंग. द इंस्पेक्टर बिगैन गोइंग अराउंड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू चेक द स्पेलिंग्स. इंस्पेक्टर हर बच्चे के पास जाके चेक करने लगे स्पेलिंग्स को. द टीचर सॉ दैट गांधी जी हैड रिटन द स्पेलिंग रॉन्गली. टीचर ने देखा कि गांधी जी ने स्पेलिंग गलत लिखी है. सो विद हिज फुट हिज टस्ट गांधी जी इज लेट टू ड्रॉ हिज अटेंशन. तो टीचर ने अपने पैर से गांधी जी के पैर को छुआ ताकि उनका ध्यान उनकी तरफ खींचे. विद हिज आइज ही सिग्नल्ड टू गांधी जी टू लुक एट समबडी एल्सेस पेपर. अपनी आँख से उन्होंने इशारा किया कि तुम किसी और के पेपर से देख के लिख लो. बट गांधी जी डिड नॉट वॉन्ट टू कॉपी फ्रॉम एनी वन. बट गांधी जी किसी की कॉपी से लिखना नहीं चाहते थे. वेन द स्कूल इंस्पेक्टर केम टू गांधी जी ही सेट हेयर आई हैव फाउंड ए मिस्टेक. जब गांधी जी के पास स्कूल इंस्पेक्टर आए तो वो बोले कि यहाँ मुझे एक गलती मिली है. This boy does not know how to spell kettle. He has spelled it as kettle. इस लड़के को नहीं पता है kettle कैसे, kettle की spelling कैसे लिखते हैं. उन्होंने कैसे लिखी थी, KETLE. The inspector didn't get angry, but he was sad that one child did not know the answer. Inspector गुस्सा नहीं हुए परंतु वे उदास हो गए कि एक बच्चे को आंसर नहीं आता है करके वे उदास हो गए. Finally, when the inspector left, the teacher was very angry with Gandhi ji. आखिरकार जो इंस्पेक्टर गए लास्ट में तो टीचर गांधी जी से बहुत गुस्सा हो गए. I told you to look at your friend's paper, but you didn't listen to me. You are a disgrace to my class. टीचर ने गांधी जी से कहा कि मैंने तुमसे बताया था कि तुम किसी अपने फ्रेंड्स के पेपर से देख के लिख लो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी. तुम मेरी क्लास के लिए कलंक हो, शेम हो. गांधी जी सेड इट मे बी आई मे बी ए डिसग्रेस बट आई कांट लाई एज आई कांट से एनीथिंग दैट इज फॉल्स. द टीचर वॉज साइलेंट. गांधी जी बोले कि मैं कलंक हो सकता हूँ परंतु मैं झूठ नहीं बोल सकता और मैं कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं कह सकता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कह सकता जो गलत हो. टीचर चुप हो गए. गांधी जी वॉज सैड दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक एंड हैड नॉट बीन एबल टू प्लीज हिज टीचर. गांधी जी उदास हो गए कि उन्होंने तो गलती की है और वह अपने टीचर को प्रसन्न नहीं कर पाए. बट ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड एटलीस्ट प्लीज्ड हिमसेल्फ बाई बींग ऑनेस्ट. परंतु गांधी जी खुश हुए कि कम से कम उन्होंने अपने आप को खुश किया है. कैसे, ईमानदार रह के, ईमानदार रह करके उन्होंने एटलीस्ट अपने आप को खुश किया है, प्रसन्न किया है और संतुष्ट किया है. ओके.
तो इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की कॉपी से देख करके नहीं लिखना चाहिए, अपना काम खुद से करना चाहिए, अगर नहीं आता है उसको छोड़ देना चाहिए. ओके, दिस वॉज फॉर टुडेज क्लास. टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू चिल्ड्रेन.